आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के ग्राम पंचायत उदमावाला पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 40 किलोमीटर और ब्लॉक से इसकी दूरी 18 किलोमीटर है। 3100 वोट और 9000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान नबी हुसैन ने अपने हाथों में संभाल रखी है। 4 वर्ष में किस तरह से इन्होंने गाँव को सजाया है और अभी भी गाँव में क्या क्या समस्या बाकी है, आइए जानते हैं प्रधान की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टाणा के उदमावाला ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 में आपका स्वागत है जी। यहां 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं लगभग, क्या क्या विकास कार्य आपने गाँव में करवा दिए? विकास कार्य का 45 के आसपास आवास बन चुके हैं जी, और 260 के आसपास शौचालय पूर्ण हो चुका, शौचालय ODF हो गया गांव पूरा, और काफी विकास हुआ। जो सीसी कार्य भी आपने यहां कराया है? काफी कराया हुआ सीसी कार्य भी। क्या आपके गांव में अभी भी कच्चे रास्ते बाकी रह गए हैं? पूरा पक्का हो गया? अभी बाकी है। यहां सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिलता है लोगों को पूरी तरह? पूरा मिलता है। स्कूल पर क्या कार्य करवाए? स्कूल पर भी नीचा फरस्ता टूटा हुआ वो फरस्त कराया है, बाकी जो प्लास्टर टूटे हुए थे वो प्लास्टर कराए, बेंच वेंच आई, सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई है आपने, कूड़ेदान डस्टबिन सब लगवाया, पूरे डस्टबिन जी। यहाँ पर सफाई की स्थिति कैसी है? सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ? सफाई कर्मचारी दिल जाता लगे हुए हैं, 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा समय पर मिल जाती है लोगों को? बिल्कुल सब कुछ। अब अपने गाँव को सुंदर बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? विकास का ही है और क्या प्रमुख मांग? किस तरह का विकास? अभी क्या समस्या आपके गांव में? रास्ते की समस्या ज्यादा है हमारे वहाँ, जो कच्चे रास्ते हैं। कितना मीटर सीसी से पक्के कच्चे रास्ते? एक तो ये रामपुर से जोड़ता जाकर टाने वाला रोड है जो कच्चा है, एक रोड ये गया जी PWD का, एक रोड ये है रामपुर गया, ये भी रामपुर को जोड़ता जाकर रामपुर, ये भी कच्चा रोड है, बाकी एक ही रोड है जो सही सुध है जो इधर आए। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा बारात घर है? नहीं। पंचायत घर? कुछ नहीं। आंगनवाड़ी केंद्र है? अस्पताल? अस्पताल नहीं। कितने लोगों, कितनी आबादी का? 7000 आबादी होगी इस गांव में। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? अस्पताल तो मतलब भगतपुर है, काफी दूर यहाँ पड़ता है, यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर 3 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर जो है बारातगढ़ पंचायत घर के लिए आप सरकार से मांग रखना चाहेंगे, क्या और कोई समस्या आपको गांव में यहाँ ऐसी सामने आती है जिसके लिए चाहेंगे कि सरकार खास तौर से उस पर ध्यान दे? ज्यादातर समस्या यही चीज की है, बारातगढ़ है, बारातगढ़ होना जरूरी जी होना चाहिए, और ये चीज है सबसे ज्यादा समस्या विकास की है, रास्तों की लगभग कुछ रह रहे हैं जो रास्ते हमारे गाँव से जुड़ते हैं ना। क्या गरीब लोग अभी यहाँ हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है? कितने होंगे अभी? अभी निकलेंगे लोग तो आवास ऐसे निकलेंगे जो बनने के। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास यहाँ प्रधान द्वारा करवाया जा चुका है, जैसे कि सीसी कार्य, सड़क निर्माण, आवास भी यहाँ लोगों को दिलवाए हैं, शौचालय से भी ये गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ लगभग 100 गरीब पात्र ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। बारातगढ़ पंचायत घर को लेकर भी प्रधान यहाँ मांग रखना चाहते हैं। जो प्रमुख समस्या यहाँ सामने आती है और प्रधान द्वारा बताया गया है कि इस गांव से लेकर रामपुर को जोड़ने वाला जो एक रोड है जो PW विभाग में आता है उसके निर्माण के लिए यहां प्रमुख मांग रखना चाहते हैं। अशरफ अली के साथ मैं नाज़रीन टुडे 24 से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव सिंह है जी। किस पद पर हैं आप यहां? मैं यहां पे प्रधानाध्यापक के पद पर हूं, प्राथमिक विद्यालय उदमावाला जी, और मुझे यहां पे लगभग 4 साल हो गए। अच्छा सर, ये बताइए ये तो जो इतना सौंदर्यकरण स्कूल में हुआ है तो क्या किसके द्वारा किया गया है? ये सर इसमें जो सौंदर्यकरण मोस्टली प्रधान जी के ही द्वारा किया गया है, मतलब पहले इस स्कूल की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ही खराब थी, काफ़ी गड्ढे थे, पर्स वगैरह नहीं था, गेट नहीं था, टॉयलेट वगैरह ठीक थे लेकिन वो ज़्यादा चालू नहीं थे, किचन भी ठीक ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं था। बाद में प्रधान जी ने सब काम कराया, मतलब स्कूल का जो ये आप गेट वगैरह देख रहे हैं, ये टॉयलेट वगैरह देख रहे हैं, या ये पर्स वगैरह, ये जो आप लकड़ी की ये देख रहे होंगे, ये सब प्रधान जी वगैरह हुआ है। अच्छा, कुछ बदलाव आया है विद्यालय में? बहुत। किस तरह का बदलाव आया? पहले लड़कियां नहीं आना पसंद करती थी क्योंकि दिक्कत थी उनको, तो अब लड़कियों की स्थिति, बल्कि हमारे यहाँ अब लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कों की, और बच्चों की उपस्थिति और ठहराव में भी बहुत फ़र्क है, बच्चे आते हैं और रुकते हैं शाम, और मिड डे मील वगैरह बहुत अच्छे तरीके से रहता है, और बच्चे आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए, बहुत अच्छी स्थिति।